ए भौजी। हाँ बोला माँ। सुना हाँ। आज तो तू बहुत नीमन लागता रू। अच्छा मतलब तू यही ताड़ेल माँ। हम नीमन लागी कोने दिन खराब लागेली। अच्छा एक बात हम अपने आदरी आप सामान्य चंचल कवि जी से पूछना चाहते हैं। अच्छा आप बताइए मेहरारू के सुघराई देख इन के बदे होला की और के थो के बदे। सुना माँ। की पाके अकेला धरे लकोरा पाके अकेला धरे लकोरा लेवे लचुमा चाटी पाके अकेला धरे लकोरा करे लचुमा चाटी। यह सामते होत नहीं। सुधर जाना था सुधर जाना था ए देवरू पिया मुड़ी काटी। सुधर जाना था ए देवरू पिया मुड़ी काटी। सुधर जा देवरू आके अकेला धरे लकोरा। सुना थे ना हम एकदम एकदम सुनते तो है। हाँ जोन हम बात कहत है एक ध्यान से सुना। जब हम अकेले रही थी तब भाई तू हम कामरे लगे आवे लो। अरे भैया उसे तो भैया अकेला भरे लकोर लेवे लचुमा चाटी पाके अकेला भरे लकोर लेवे लचुमा चाटी। सुधर जाना था ए देवरू पियावा मुड़ी काटी। सुधर जाना था ए देवरो पे हवा मोड़े काटे। सुधर जा देवरो ए नाता पे हवा मोड़े काटे। मत जनी हा डाटी के छोड़ी मत जनी हा डाटी के छोड़ी छोड़ी तो छोड़ी काटी। सुधर जाना था सुधर जाना था ए देवरू पियावा मुड़ी काटी। सुधर जाना था ए देवरू पियावा मुड़ी काटी। सुधर जाना था ए देवरू पियावा मुड़ी काटी। सुनिया ना हम सुने। हाँ तो तुहार कहानी कुछ ऐसा ही बा कि जब हमका अकेल देखा थे तो बड़ा हमार सुंदरता निहारे लगत है। देखा सुंदरता को देखो मगर छेड़ो नहीं माँ। हम यही तो बतिया कहना ये भौजी तू बहुत नीमन लगातारू। अच्छा भैया है नहीं तो तोके इतना सजावट करे के कौन जरूरत बा। माँ तोहर भैया है घरे तू ना आवा घरे तो कैसे देखबा अपने भैया के। अच्छा। दिन भर तो बाहर दूसरे के ताड़े में लगा रहा थे। देखा भाई उम्र भी कोनो छिपावे लायक नहीं बा। उम्र भी भगवान एक ही बार दे ले। आई उम्र में अगर हम आनंद पानी ना लिए निगाहें नेक भी इस उम्र में बदनाम होती है। जब जानते हो तो फिर क्यों मेरे बातों पे छेड़ते हो। लेकिन इतना तोहरे सुघराई की हम वर्णन करते है कैसे मस्त सो। अरे देख ले पर लागे लु कच कच वाले बाऊजी। हे बाऊजी हाँ। सुना सुनावा इतना चमकत बाड़ू कि चांदा के अजोरिया भी तोरे आगे फेल बा। अच्छा हाँ तब वही हम सोचत रहे कि चंदा काहे ना उले नो। सुना हम बतावत थी। अरे देख ले पर लागे लु कच कच वाले बाऊजी। हाय हाय लेके आई लूना। हाँ हाँ लेके आई लूना नाई हारावे से बचावा। लेके आई लूना नाई हारावे से बचावा। लेके आई लूना नाई हारावे से बचावा। नाई हारावे से बचावा लेके अवलू। ये बतावा जब हम पूछे कि भाभी हम चाचा बने वाला है का तो तू कहू। हाँ जब जोड़े थे भाई सात ही महीना भवा माँ टोटल तो का है। अच्छा तो ये बतावा सात ही महीना में लड़की हो था कहू। तुहार भैया सगाई करे जब गा रहे हैं हाँ? तो आज के करीब आठ महीना बीतत बा। अच्छा। आठ महीना सगाई के जोड़ला और ओकरे बाद ई सात महीना बियाह है। एकर मतलब ई सगाई से तुहार लोग मैटर चलत का करवा मोहब्बत है। क्या बात है बतावा। हाँ तो सुना हमार
अब जोन बात कह दिया लेकिन एकर एगो बात सुन ला बतावा। पहला लड़का जोन है नैहरन से मतलब ओकर पैदाइश हो चाहिए। पैदाइश भले हो नैहर से लेकिन लड़कवा तो नैहरे वालन के रहा। मैं नैहरे वालन के लड़कवा यह करवा यह मैटर करवा देवा देखे सामने जनता सुनत बा। यही बार तो बतावे चाहते कि सब जनता पब्लिक पूरी जनता जनादर आप एमडी म्यूजिक के ऑपरेटर आप बड़े भैया देव जी सब लोग जान तो लें कि देखवारी में सगाई में ऐसे मैटर पहिलन हो जात बस सात महीने में लड़का हो लगे। अरे सुना साच साच मोरी बतिया ए देवर सुना साच साच मोरी बतिया ए देवर भैया के तो हरे ना आए है भैया के तो हरे ना कैल गैल कुल घटिया भैया के तो हरे ना कैल गैल कुल घटिया भैया के तो हरे ना कैल गैल कुल घटिया भैया के तो हरे ना। और सुना इस सारा जे देखला हमार शक कभो गलत नहीं हो सकत। अच्छा। हमका शंका बा का शंका बा जवन सकबा हम तोसी पूछत है चोच लड़ावालू तू कावा ना यार से चोच लड़ावालू तो कावा ना यार से चोच लड़ावालू तो कावा ना यार से। हमर भैया से तनिको ना डरलू देवर बड़ा खतरनाक है हमार घर परिवार उजार के धई दे। अगर देवर खतरनाक बा तोहार घर परिवार उजार के धरत बा तो वही घरवा परिवारों में तो देवर हो बा ना। लेकिन ऐसन देवर कौने काम के जोन मनाई और नहीं नहीं तो परानी के बीच में झगड़ा लगाए इनकर कहेंगे मतलब भौजी कहूं और बा अब भैया कहूं और। अरे चुप रहो का कहते हैं हाँ वही की सही बोल। देखा दुनिया जाए भाड़ में देवर लगाब अपने जुगाड़ में लेकिन सुना हाँ, हाँ। तनी को ना डर लागल अपना भतार से तने को ना डर लागल अपना भतार से तने को ना सुना। अरे हम के बतावा सब सचवाला भौजी जितना हम पूछी भौजी सब हमका सही है बतावा नहीं हम भैया से सब बता दे। अरे भैया के सब साथ बता चुकी है तभी तो हम का लेके आए ता ई सात महीना में कैसे तोरे लड़का होत बा बताए तो कि आठ महीना पहले सगाई भयल सुना बियाह के सात महीना हो गई अब जोड़ ल तोहार मैथ कहाँ तक जात बा तो ई सगाई में तोहार काम हो गया रहन। हाँ? अब इनका इनका सब बताई नहीं नहीं आप लोग बताओ भैया सगाई हो था लड़का लड़की के देखत थी ना। मानता हूँ कि जमाना दूसरा चल रहा है बाबा मॉडर्न लाइफ आ गया है लड़का लड़की को देखने जा रहा है लड़की घर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वही सगा सारा काम हो जाए। निगाहें नेक भी इस उम्र में बदनाम होती हैं मुझे पता है जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है कमर थम वो कदम थम थम के रखते हैं लेकिन कमर खा ही जाती है। क्या बात है लेकिन हकीकत जो है वो मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए ओहो हम के बतावा सब सचवाए भाऊजी हम के बतावा सब सचवाए भाऊजी लेके अइलू ना आए हाय लेके अइलू ना नाई हारवे से बचावा खराब
अपन आदत सुधारा न तो ससुर से कह दे भाई कि एकर लहान तहान बैठा भाई। सुना सुना न तो हमार घर तो तोड़ते ही बाटे। अगर तोहार चोरी पकड़ा बते हम अपन में आदत सुधारी। हाँ हमार चोरी ना हम आगे बता दिए लेकिन हमार आगे बात सुना हद से ज्यादा मत बढ़ा लेकिन हमार बात सुना बतावा एमे हमार कोनो दोष नहीं बात तू पकड़ा न हो हकीकत बतावा का पका एकरे बाबू कह ना एकरे बाबू के दोस्त है या अगर एकर बाबू चाहते न तयुक लहान तहान बैठौते न ता जैसे ना बोलत लेकिन हमार बात सुना का मस्त भौजाई में देवरे के आधा हो हक हो था मालूम बा। जब से बियाह पड़ल मिले हर घरी बाबा से बियाह पड़ल मिले हर घरिया बाबा से बियाह पड़ल मिले हर घरिया गांव के सिवान मिले रोज दुपहरिया गांव के सिवान मिले रोज अरे देहिया के कैलस सरस्वती आए देवर भैया के तोहरे ना आए हाय भैया के तोहरे ना कैल गहिल कुल घटिया भैया के तोहरे ना कैल गहिल कुल घटिया भैया के तोहरे अच्छा तो हमार भैया शादी से पहले तोहरे साथे घात कह चुका है ना आवे दे आज भैया के तोहका हम तोहरे सामने बैठा के पूछब बाबा एक सोचा पहले छोट भाई हमार देवर लागे लेकिन कहत है कि भौजी माई समान होली लेकिन अपने भाई के सामने ऐसन बात पूछी एक शर्म ना आई कलयुग हम नहीं भैया कलयुग में यही होता ही बा आज काल के कोनो भौजाई माई के फर्ज निभावत हैं कान पकड़ के खींची भौजी तब समझ में आई भौजी कान पकड़ के खींचे लेकिन जब वो काम हो तो बा लेकिन बात यहाँ पे ये आई है कि अब सात महीना भावत होके आए बतावत ही लाइन से काम ये हमार चंचल कवि के बात है जौन चीज लिखत इन बड़ी साफ सुथरी लिखत है एमा कोनो घात ना भइल बा। सुना सात महीना भइल आइलू गवानावा सात महीना भइल आइलू ज्यादा चोरी छिपावा सात महीना खेले लागल तोहरे लालानावा गोदिया में खेले लागल तोहरे लालानावा गोदिया में खेले लागल तोहरे लालानावा अरे जल्दी से कहावे लगली चचावल मुजी सात महीना में हम चाचाऊ बन गए यही से हमका सकरन हम पूछे भले से तू लाख सही हो लेकिन सात महीना में तोरे लड़का पैदा हो के मतलब हमका सकरन हम पूछे तू सही सही बताए दे कि भैया के तोरे सब घात या तो ठीक बा जल्दी से कहा लगली चाचा भाऊजी लेके आई लूना आए हाय लेके आई लूना नाई हारावे से बचावा लेके आइलू ना नाई हारावे से बचावा लेके आइलू ना नाई हारावे से बचावा लेके आइलू ना भाजे लेके आइलू ना लेके आइलू ना भाजे लेके आइलू ना लेके नाई बचावा लेके आइलू ना नाई हारावा से बचावा
कोई चाहे कि हम चाचा बने। ये बात के तो खुशी बा कि हम चाचा बन गए, हमार पगड़ी ऊंची हो गई एकदम, हमारे कुल के चिराग आई गए। लेकिन यही इतना सकरान हम पूछे, तू बता दू एक बात, हम कुछ कहे नहीं। हाँ। हमारे बहू जी खुद सती सावित्री जैसे है, हम लांछन थोड़ी नहीं लगावत थी ना, लेकिन पूछत रहे। देखाई तो बोला देवर के, लेकिन हमार बात सुना। बतावा ले ना दानी नाही मन ले हर बात के, साधना कहेली जारी रखली मुलाकात के, साधना कहेली जारी रखली। अरे देहिया भइले फूल के हथिया मोर देवरू, भैया के तो है ना आए है, भैया के तो है ना कोइल गोइल फूल घोटिया, भैया के तो है ना कोइल गोइल फूल घोटिया, भैया के तो है ना कोइल गोइल फूल घोटिया, भैया के तो है ना भैया के तो है ना। हरावे से बचावा लेके आई लू, पाइल पाइल